नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोरोना वायरस की महामारी के बीच सियोल स्थित भारतीय दूतावास और मेसर्स ह्यूमेसिस लिमिटेड ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को 5,00,000 टेस्ट किट की आपूर्ति के करार पर हस्ताक्षर किए। भारत और कोरिया के बीच यह सहयोग COVID-19 की चुनौती का सामना करने की भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारत सहित पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 17,000 के पार पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या 17,265 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि 2,547 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। विश्व महाशक्ति अमेरिका भी इस समय कोरोना के कारण परेशान है। वहीं इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में भी कोरोना वायरस के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण करीब 40,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,500 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।